नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का भीषण युद्ध महासंग्राम चालू है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों का नए नए परीक्षण कर मैदानी जंग में उतार रहा है और अपनी सेना में शामिल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज उतनी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है वह एक कवच का काम करेगी। तो दोस्तों सब जानेंगे हम इस वीडियो में कि भारत ने कौन सी ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत ने कल राजस्थान के जैसलमेर इलाके में अपनी आकाश के नए वर्जन का आकाश अपग्रेड यानी नए एडवांस वर्जन का परीक्षण किया है। अगर दोस्तों इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज महज 25 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों यह 25 किलोमीटर की रेंज में एक कवच का काम करेगा। दोस्तों यह मिसाइल अपने आप में छोटा पॉकेट और बड़ा धमाका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल के बनते ही दुनिया के बहुत सारे देश इसको लेने के लिए तैयार हैं। और अगर दोस्तों हम इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसकी रेंज तो 25 किलोमीटर है ही, दूसरी बात यह अपने साथ 60 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों जो इसमें मिसाइल लगने वाली है यह मिसाइल अपने साथ कई मिसाइलों को भी अपने साथ ले जा सकती है। और दोस्तों जो इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि इस मिसाइल की रेंज कम होने के साथ साथ इसे मोबाइल लॉन्चर भी बनाया गया है। दोस्तों इसे इतना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर इसे स्थापित भी किया जा सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों को आप किसी भी प्रकार के वाहन से एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। आप इन्हें पहाड़ी इलाकों में आसानी से भी ले जा सकते हैं। और दोस्तों मैं यह भी बता दूं कि आप लोगों को आकाश सीरीज की मिसाइलों के विषय में तो पता ही होगा कि ये मिसाइलें ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखाती हैं जिससे कि पूरी दुनिया हैरानी में पड़ जाती है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चाहे वह सऊदी अरबिया हो चाहे यूएई हो, सभी देश इसको लेने के लिए इच्छुक हैं। और दोस्तों यह ताक लगाए बैठे हैं कि भारत कब इसको एक्सपोर्ट करे और हम इसे खरीदें। दोस्तों अगर आप सही नजरिए से देखें तो भारत अपने आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करता नजर भी आ रहा है। और दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन मानिए दोस्तों कि आगे आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा हुआ करता था कि भारत सभी देशों से सलाह लिया करता था और भारत की गिनती कहीं पर नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में दोस्तों भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर लोग भारत से सलाह लेते हैं। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसमें से सभी ताक लगाए बैठे हैं कि भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया दे और यह युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि सभी देश भारत पर यही एक आसार लगाए बैठे हैं कि किसी तरह से भारत कहे और यह युद्ध रुक जाए। हालांकि दोस्तों छोटा पॉकेट बड़ा धमाका यानी कि आकाश अपग्रेड मिसाइल पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही अगर जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत दोस्तों, मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।